नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। विधानसभा शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक स्थगित, कमलनाथ बोले बीजेपी की कथनी करनी सामने आ गई। बलिया में शिवराज बोले मैं यूपी का भी मामा, दलित के घर खाना खाया, बोले मोदी का मतलब ईश्वर का वरदान, अखिलेश को बताया बबुआ। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज, नरोत्तम बोले वीडियो और भूपेंद्र ने क्या गलत कहा, स्पष्ट करे विवेक तनखा, सीएम ने कुछ कहा ही नहीं, उनको भी नोटिस भेजा। ओबीसी आरक्षण की राजनीति में उलझे पंचायत चुनाव, विधानसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस, कमलनाथ बोले सरकार के वकील कोर्ट में नहीं बोले। भोपाल में यूके से लौटी छात्रा संक्रमित, अब तक विदेश से लौटे 6 पॉजिटिव, सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे, रिपोर्ट के पहले 2 डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में 32 दिन में 524 कोरोना संक्रमित, 20 नए केस, सबसे ज्यादा भोपाल में 8, इंदौर में 7, नर्मदा परिक्रमा कर लौटे सागर के 5 पॉजिटिव। पंचायत चुनाव में जिले में 2300 लाइसेंसी बंदूक, 500 जमा, हर दिन थाने में जमा हो रहे 150 हथियार। पंचायत चुनाव 2022 में ग्वालियर में नामांकन का आज अंतिम दिन, भीड़ बढ़ने पर देंगे टोकन, फॉर्म की जांच कल। स्मार्ट सिटी ने शुरू किया काम, 500 साल पुराने पैटर्न पर शहर की 150 साल पुरानी 3 बावड़ी सवरेंगी। एमपी में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट, बर्फीली हवाएं चलेंगी, पचमढ़ी में तापमान -0.5 तक लुढ़का, ब्लड प्रेशर के मरीज सावधान रहे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।